नमस्कार, मैं पूजा राणा। मेरे अपने इस चैनल सुरभि आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज हम जानते हैं कि बच्चों में लूज मोशन की प्रॉब्लम होने पर हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे आराम लग जाए। लूज मोशन होने से न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों की हालत भी खराब हो जाती है। हालांकि शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का शरीर का यह निजी तरीका है, लेकिन डायरिया होने से बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार बच्चों में खड़े होने की क्षमता भी नहीं रह जाती है। बारिश के मौसम में बच्चों को पेट में दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है। इसके साथ उल्टी और लूज मोशन की समस्या भी रहती है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि बारिश के मौसम में जो पानी आता है, जैसे नल का, बोरिंग का, तो जो पानी रहता है वो इस मौसम में दूषित हो जाता है। पानी दूषित होने के कारण उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस हो जाते हैं और यही पानी बच्चों को पीने से पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत हो जाती है और इसी कारण फिर बच्चों को लूज मोशन भी हो जाता है। तो यह कॉमन प्रॉब्लम है इस मौसम की। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस मौसम में बच्चों को उबला हुआ पानी ही पिलाएं। आप डायरेक्ट नल या बोरिंग का पानी पिलाने से बचें। यदि आपका बच्चा पेट में दर्द की समस्या बता रहा है तो इसका कारण यह है कि बारिश के मौसम में चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे आप केले या दूसरे फल फ्रूट लाए और थोड़े खराब हुए और वह बच्चों ने खा लिए। इसके अलावा बच्चा बाहर पानी पूरी खाने गया और उसमें जो आलू थे वो थोड़े सड़े हुए थे। वो लोग इतना ध्यान नहीं देते और मसाला बना लेते हैं और यही बच्चे खा लेते हैं। इसलिए इस मौसम में बाहर की चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करें। ये बच्चों को बिल्कुल ना खिलाए, नहीं तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के पेट दर्द, उल्टी और लूज मोशन की। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जैसे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई तो आप उसे उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पिलाएं और बच्चे को लाइट भोजन खिलाएं, जैसे खिचड़ी, दलिया, ओट्स, हेवी चीज़ें जैसे पूरी, बाटी, दाल, इस तरह की चीज़ें उसे ना दें। यदि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उसे आप नाभि के आइट साइड हींग लगा सकते हैं। पानी में थोड़ा हींग मिलाकर लगाएं। इसके अलावा आप बच्चे को जीरे का पानी दे सकते हैं। पेट दर्द का सबसे अच्छा उपाय जीरे का पानी है। आप आधे गिलास पानी में एक चम्मच जीरा डालें और उसे उबालें। आधे गिलास का एक कप पानी बचे तब तक उसे उबालें। लूज मोशन में बच्चे को जितना हो सके केला खिलाएं। आप दही चावल खिला सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। पानी में नींबू डालें और थोड़ा सा काला नमक, ये शरबत बच्चे को पिलाएं। बहुत जल्द आराम मिलेगा। बैक्टीरिया और जर्म्स से लड़ना है तो छाछ जरूर पिए, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को तुरंत ठीक करता है। इसके अलावा यह पीने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चा इसे निसंदेह काफ़ी शौक से पिएगा। आप छाछ में नमक और काली मिर्च का पाउडर डालकर दें। छाछ 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ही दे। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिन्हें आप फॉलो करके बच्चे की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट लेकर आती रहूँ तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।